का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा स्टोरेज में इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। फिजिको केमिकल
देखिए फोटोसिंथेसिस को अगर कहा जाएगा तो ये क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं आप, फिजियोलॉजिकल भी है, ठीक है, क्योंकि जहां मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की क्या है, मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रिया है, ठीक है। उपापचय क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी क्या है, फिजिक्स है, कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो क्या है, केमिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकल भी है और केमिकल दोनों है, और लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिको केमिकल प्रोसेस। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, हाँ ग्रीन प्लांट, ठीक है, किस जगह पर होती है, ओशियन, कहाँ होता है, ओशियन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशियन में, क्योंकि ओशियन का एरिया सबसे ज्यादा है, लैंड का एरिया कम है, ठीक है। थ्री हाफ भी क्या है, ओशियन है, थ्री पार्ट है, तो मैक्सिमम बोलेंगे ओशियन में। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशियन में, ठीक। अभी कुछ लोग सोचेंगे ओशियन में तो प्लांट होगा नहीं, पानी में कैसे होगा, क्योंकि एल्गी है, ओशियन में क्या है, एल्गी है, तो वाटर का एरिया बहुत ज्यादा है, वहां एल्गी है, सबसे ज्यादा फूड पानी बनता है। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस ये आपके स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ रूप में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका फायदा है, तो इसके दो फायदे हैं। पहला क्या है, हमको फोटोसिंथेसिस से फूड मिलता है, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन होता है तो सोर्स ऑफ द फूड किस चीज का है, सोर्स ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या चीज है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फोटो का सोर्स है, तो ये फोटोसिंथेसिस का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, फूड बनेगा और ऑक्सीजन। एक लाइन और लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि व्हाट इज द बेस, देखिए अगर सोचिए आपका ग्रीन प्लांट ना रहे तो क्या होगा, प्लांट नहीं रहेंगे तो एनिमल नहीं रहेगा, कोई एनिमल नहीं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ नहीं रहेंगे तो हेटरोट्रॉफ नहीं रहेंगे, ठीक है, एनिमल नहीं रहेंगे, एनिमल नहीं रहेंगे तो डिकम्पोजर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेड बॉडी बनेगा नहीं, जब कोई जीव रहेगा नहीं तो डेड बॉडी कहां से बनेगा, डिकम्पोजर्स खत्म, मतलब इस अर्थ से लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो, ठीक है। तो एक लाइन लिखा है, आप फूड चेन सबको बताना क्या होती है, फूड चेन खास श्रृंखला, खास श्रृंखला में पौधे जो फॉर्म निर्भर रहता है एनिमल्स, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द बेस ऑफ ऑल फूड चेन, जितनी फूड चेन चलती है इस धरती पर सबका बेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, सब फोटोसिंथेसिस के द्वारा चल रही है, खाना नहीं बनेगा तो कोई फूड चेन चलेगा नहीं, ठीक है। जैसे ग्रास ओपर को कौन खाता है, और ग्रास को क्या खाएगा, ग्रास, ग्रास ओपर खाएगा, ग्रास ओपर फ्रॉग और फ्रॉग स्नेक, स्नेक हॉग, इस तरीके से चलता है, ठीक, नहा लिखेंगे सारी फूड चेन का बेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई फूड चेन नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल नेसेसरी और कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, ठीक है।
कैसे प्रूफ करेंगे लाइट इज नेसेसरी? कैसे प्रूफ किया जाएगा कि लाइट जरूरी है? ये पहले पेज पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये दो तीन लाइनों में खत्म किया हुआ है। फर्स्ट पेज खोलिए, लास्ट के पैराग्राफ पर जाइए, वहां थोड़ी सी दो चार लाइनों में खत्म कर दिया टॉपिक। लाइट नेसेसरी है, कैसे प्रूफ किया जाएगा? उसके लिए देखिए क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे इस तरीके से। प्लांट गमले में लगा हुआ है, पॉटेड प्लांट है, ठीक है, या जमीन में लगा, आर्ट में लगा हुआ प्लांट है। इसकी आधी लीफ को क्या कर देंगे, पेपर से कवर कर देंगे। लीफ का थोड़ा सा हिस्सा ब्लैक पेपर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इसके बाद इसको सनलाइट में रख देंगे ले जाकर के। तब क्या देखेंगे, सनलाइट में रखेंगे। इसके बाद इस लीफ को यहाँ से तोड़ेंगे, प्लग करेंगे, इसको क्या करेंगे, एल्कोहल में बॉइल कराएंगे। किसमें? एल्कोहल में बॉइल कराएंगे। मतलब आपने लीफ को आधे पेपर से ढक दिया, ब्लैक पेपर से लीफ का थोड़ा सा हिस्सा आपने ढक दिया, वहां पर लाइट नहीं फॉल करेगा, लाइट नहीं आएगा, क्योंकि लीफ का थोड़ा सा हिस्सा क्या है, कवर्ड है। अब लीफ को तोड़ करके और एल्कोहल में बॉइल करा लें। कोई बताएगा एल्कोहल में क्यों बॉइल कराया जाता है? नाइन्थ क्लास में एक्सपेरिमेंट है, इसको एल्कोहल में क्यों बॉइल कराते हैं? इसलिए कराते हैं क्योंकि लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन। एल्कोहल डीकलराइजिंग एजेंट है, सारे कलर को हटा देगा, तो लीफ में कोई कलर नहीं नजर आएगा। क्योंकि अभी हम जब आयोडीन मिलाते हैं, इसके बाद क्या मिलाएंगे, इस पर आयोडीन, तो ब्लैक कलर आएगा। तो अगर पहले से कोई कलर रहेगा तो कलर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, कलर कुछ और आ सकता है, इसीलिए हम इसके ग्रीन कलर को पूरी तरीके से हटा देते हैं। एल्कोहल में बॉइल कराएंगे इसलिए जो कलर है उसको रिमूव कराने के लिए अल्कोहल में बॉइल करा देंगे। इसके बाद क्या कराएंगे, आयोडीन मिक्स कराएंगे, आयोडीन इसके ऊपर डाल देंगे। हमने कौन सा एरिया कलर कवर किया था, इतना एरिया आयोडीन जैसे ही डालेंगे, आपको देखिए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैक, और ये वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक नहीं रहेगा। जो पार्ट आपने ढक दिया था वो पार्ट ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ब्लू या ब्लैक कलर दे देता है। आप लेबोरेटरी से थोड़ा सा या आयोडीन सॉल्यूशन रखा होता है लैब में, उसको आप व्हाइट पोटैटो या चावल जो होता है घर में पका उबला हुआ या उबला हुआ आलू, उसके ऊपर रख दीजिए, तुरंत ब्लैक कलर आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और जहां स्टार्च रहेगा आयोडीन उसके साथ रिएक्शन करके कैसा कलर देता है, ब्लैक कलर या ब्लू कलर दे देगा, डार्क ब्लू। यहां क्योंकि ये एरिया कवर नहीं था, इसलिए यहां पर क्या है, पर ये एरिया कवर नहीं था, यहां लाइट आ रही थी, यहां लाइट नहीं आ रहा था बीच में। जहां लाइट नहीं गिरेगा वहां ब्लू नहीं बनेगा, इसलिए यहां ब्लू नहीं बनेगा, यहां स्टार्च नहीं बनेगा। टेस्ट के द्वारा भी तो पता लग गया, अगर स्टार्च नहीं बना है तभी तो कलर ब्लैक नहीं होगा, अगर बना होता तो कलर कैसा होता, ब्लैक, ठीक है। ये वाला सब क्या हो जाएगा, ब्लैक, उससे प्रूफ हो जाता है लाइट जरूरी है, लाइट आएगा तभी फूड बनेगा, तभी वो कलर चेंज भी करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी में है, क्लोरोफिल नेसेसरी, कैसे प्रूफ करेंगे क्लोरोफिल जरूरी है, बिना क्लोरोफिल के फूड नहीं बनता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई बताएगा, वेरीगेटेड लीफ लेंगे। वेरीगेटेड का मतलब समझते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, उस तरीके से नहीं होगा, ये होगा बाय यूजिंग वेरीगेटेड लीफ। क्या होती है, ऐसी पत्तियां जो पार्टली ग्रीन और पार्टली क्या होती है, व्हाइट। आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियां पर कई तरीके के रंग होते हैं, हरा है, हरे के साथ में नीला है, और नीला है या फिर हरे के साथ में कलरलेस है, पीला है, देखने के लिए
पत्ती पूरी हरी नहीं होती है, बीच इसमें दूसरा कलर भी होता है, हरे के अलावा भी और कलर होते हैं, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? वेरिएटेड लीफ, पार्टली ग्रीन। सबको समझ नहीं आ रहा, देखिए नहीं देखिए तो दिखा दें आपको, बताइए देखिए ना, हाँ रेड भी होता है, देखिए ना सर, ये तो इमेज दिखा सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? वेरिएटेड लीफ, ठीक। तो वेरिएटेड लीफ क्या होता है? जहां पर ग्रीन कलर होता है, ध्यान सुनिएगा, जहां कलर है ग्रीन वहां फ्रूट बनेगा, और जहां ग्रीन कलर नहीं है वहां फ्रूट नहीं। ये सही है नहीं सही बताइए, मैं सही कर रहा हूं? जहां ग्रीन कलर नहीं है वहां फ्रूट नहीं बनेगा, ये राइट है क्या? ऐसा होता है कि कोई भी आपने देखिए, ये कलर है ग्रीन, कैसा है ग्रीन, और ये कलर कैसा है? इतना इतना है वायलेट है या येलो है, तो जो एरिया ग्रीन के अलावा दिखता है, चाहे वो पीले रंग का दिख रहा है चाहे बैंगनी रंग का दिख रहा है, तो क्या वहां फ्रूट नहीं बनता है? बनता है, बनता है, बनता है, तो बनता है, ठीक है। तो जब बनता है तो वहां पर आयोडीन मिलाने पर वो कलर चेंज करेगा, करेगा, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या रह जाएगा? तो फेल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। हमने वेरिएटेड लीफ इसलिए लिया है कि हम देखना चाहते हैं कि जहां पर क्लोरोफिल है वहां फ्रूट ज्यादा बनेगा, जहां कम है वहां कम बनेगा। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी लीफ आपको वायलेट कलर की दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है? बैंगनी रंग का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है। हरा लीफ है तो क्लोरोफिल ज्यादा है, अगर बैंगनी रंग की लीफ है तो क्लोरोफिल क्या है? कम है। कैरोटीनॉइड नाम सुना है? कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड। वो ज्यादा, उनकी संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो उसका कलर आ रहा है, ग्रीन कलर छुप गया। पत्ती ग्रीन नहीं है अगर, इसका मतलब क्या है? कि नहीं है कि उसमें ग्रीन क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है लेकिन वो थोड़ा सा कम, और कम है तो क्या है? फूल बनाएगा लेकिन कम बनेगा, ठीक। तो वेरिएटेड लीफ जो होती है, जहां ग्रीन कलर होता है वहां फूल ज्यादा बनता है, और जहां ग्रीन कलर नहीं है वहां फूल कम बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, क्लोरोफिल है लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है, बाकी पिगमेंट ज्यादा है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कौन करेंगे? आपने ये लीफ लिया, कितना एरिया जो मैंने सर्किल किया है वो एरिया ग्रीन नहीं है, और जो सर्किल नहीं है वो एरिया क्या है? ग्रीन। ये वाला पार्ट ग्रीन है, ठीक है। ये प्लांट पर लगा हुआ है, इस लीफ को यहां से क्या करेंगे? प्लग करेंगे, तोड़ेंगे, अप्लाई करने के बाद वही काम बॉइल कराएंगे एल्कोहल में और आयोडीन मिलाएंगे, ठीक। फिर क्या होगा? लाइट तो पड़ रही थी, ऊपर से लाइट आ रही थी, फूल कहां कम बनेगा? देखिए कलर चेंज कहां नहीं होगा, जो एरिया सर्किल वाला है यहां पर क्या है? कलर चेंज नहीं आएगा, नो ब्लैक कलर, कोई ब्लैक कलर नहीं आएगा। बाकी एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फूड बन रहा है, जहाँ फूड बनेगा वहाँ स्टार्च होगा, वो एरिया क्या हो जाएगा? ब्लैक, और बाकी सर्किल वाला एरिया ब्लैक नहीं होगा क्योंकि वहाँ फूड नहीं बना है, कम बना है, सॉरी कम बना है, तो स्टार्च जो है ज्यादा नहीं बन रहा है, इसलिए ब्लैक कलर आएगा, समझ रहे ना। ये क्लोरोफिल नेसेसरी है, ये कैसे प्रूफ करते हैं? वेरिएटेड लीफ से। और एक एक्सपेरिमेंट और मिला है, तीसरा एक्सपेरिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ डू वी प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी? कैसे हम प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए
लिए क्या यूज किया जाता है? KOH का सॉल्यूशन। हम लोग क्या यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट को कैसे कराते हैं? ये प्लांट आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका लीप होगा। इस एक्सपेरिमेंट का एक नाम और है, इसको बोलते हैं हाफ लीप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाम लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं? हाफ लीप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास प्लांट है, प्लांट में ये लीफ है, इस लीफ में आधा हिस्सा इसको क्या कर देंगे? इस तरीके से बॉटल में बंद कर देंगे। लीफ का आधा वहां ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। अच्छा, चलिए, लीफ का आधा हिस्से क्या करेंगे हम? एक इस तरीके से बॉटल सेट करेंगे और बॉटल में कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क जानते हैं ना, रबड़ की कॉर्क आती है, तो कॉर्क में काट करके बीच में से लीफ को अंदर सेट कर देंगे और यहाँ पर क्या लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। और यहाँ से इसको एयर टाइट कर देंगे पूरा बंद, बाहर से कोई एयर ना आए, बाहर से कोई एयर नहीं आएगा। अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहाँ रख देंगे? लाइट में। इसको कहाँ रखेंगे? उठा करके लाइट में, जैसे लाइट में रखेंगे फूल बनना चालू हो जाएगा। अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH की प्रॉपर्टी है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अंदर जितना भी CO2 है इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाहर से कोई भी गैस नहीं आएगी, चाहे O2 चाहे CO2, क्योंकि ये टाइट है पूरा, ठीक। तो अंदर जब CO2 क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, किसके द्वारा? KOH। तो वो सारी CO2 फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर कोई CO2 अब नहीं बचेगा। CO2 नहीं बचेगा तो फूड नहीं बचेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर से आ नहीं रहा है, कैसे प्रूव करेंगे फूड नहीं बना है? तो इस लीफ को यहाँ से हटाएंगे, लीफ को निकालेंगे, और लीफ को निकालने के बाद कहीं बॉयल कराएंगे, और बॉयल कराने के बाद में इतना हिस्सा हमने ट्रैप कराया था बॉटल में, आयोडीन मिलाएंगे, इस पर भी आयोडीन मिलाएंगे और इस पर। यहाँ पर नो ब्लैक कलर, कोई ब्लैक कलर नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एरिया ब्लैक, एरिया ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ फूल बना, वहां नहीं बना। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, प्रूफ हो गया ना। CO2 नहीं आएगा तो फूल नहीं बनेगा। हमने सारा CO2 हटा दिया, हटा दिया तो फूल नहीं बना। तो ये आप लिए एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो तीन एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, दो तीन तीन लाइन में बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ है। इसके अलावा आप और कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं। अब मेन एक्सपेरिमेंट, ये तो आपके 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब मेन एक्सपेरिमेंट लिखा है, हेडिंग होगा अर्ली एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस के अर्ली एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो सब क्रिस्टले का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेस जार एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? बेस जार एक्सपेरिमेंट। किसने दिया था? जो सब क्रिस्टले में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? तो वहां बच्चे लिए गए लड़का, बगल में भी है लड़की जोड़ी था,
अरे मैं स्पेलिंग गलत होने के मामले में बहुत खराब आदमी, मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, आप सही मानिए इसको, ठीक है। आपको इस स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि एकेडमिक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको स्पेलिंग नहीं मैच करा, जहाँ जरूरी है वहाँ आपको क्लियर बता दीजिएगा, तो उसको इग्नोर करते चलिएगा, ठीक है। इसलिए बताता हूँ इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इनके एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से उन्होंने जार लिया था, जार में क्या रखा, माइस रखा चूहा, ठीक है, और कैंडल को बर्न करा दिया। ये कैंडल है, इधर देख लीजिएगा, माइस रखा और कैंडल को बर्न करा, तो देखा कुछ समय बाद माइस यहां डाई कर जाए, कुछ उसको पूरा ये टाइट कर दिया, इस जार को पूरा क्या कर दिया, दोनों को रखने के बाद में एयर टाइट कर, ठीक है। तो कुछ समय बाद देखा कि माइस भी मर जाता है, कैंडल भी बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर टाइट जब पड़ेंगे तो बाहर से कोई भी गैस अंदर नहीं एंट्री करेगा, ठीक है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही है, CO2 लगातार बन रही है, यहाँ पर क्योंकि कैंडल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, माइस रेस्पिरेशन करेगा तो कौन सी एयर रिलीज होगी, CO2। जितनी ऑक्सीजन है, जब जार को बंद किया गया तो जिसमें ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, लास्ट में फिनिश हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कैंडल को भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और माइस को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, सारी ऑक्सीजन फिनिश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो ये माइस डाई कर जाएगा और कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहीं पर प्लांट रख दिया, ठीक है। कौन सा प्लांट था वो ध्यान रखना है, मिंट का प्लांट था, पुदीने का प्लांट, ठीक है, मिंट का प्लांट रखा। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सेटअप को लाइट में भी रख दिया, लाइट में, तो देखा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन, प्लांट सनलाइट में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटो रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन कौन लेगा, कैंडल, और कौन लेगा, माइस, और माइस जो भी CO2 रिलीज कराएगा या कैंडल जब बर्न करेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेगा, प्लांट, मतलब गैस एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो CO2 निकलेगा उसको और को निकलेगा उसको ये लोग ले लेंगे, इससे CO2 ये लेगा, बाहर से कोई भी गैस की एंट्री नहीं हो रही है, आपस में ही गैस की अदला बदली हो रही है, पानी आया। इन्होंने कल कंक्लूजन क्या निकाला बताइए, पूछा जाता कंक्लूजन क्या थे, वो तो बेलजर वाला ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूजन था, मेन चीज ये नोट कर लीजिएगा, कंक्लूजन अपने एक लाइन लिखा है, पढ़िए उस लाइन को थोड़ा सा,
मैनेजमेंट का कंक्लूजन था कि प्लांट प्यूरीफाई द एयर, प्लांट क्या करते हैं, एयर को प्यूरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, या रिस्टोर द एयर, एयर को रिस्टोर कर देते हैं। रिस्टोर का मतलब वापस फिर से वैसा ही ले आना जैसे था, रिस्टोर करना। दैट इज बाय द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड माइस रेस्पिरेशन, माइस के रेस्पिरेशन के द्वारा और कैंडल जो बर्न हो रही है उससे जो एयर रिलीज हो रही है उसको वापस रिस्टोर करना, ठीक है। तो आपका लाइन, ये लाइन ध्यान रखिएगा, जो बुक में लिखा है ऐसे पूछा जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका है, इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट है, लगभग इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उनका जो एक्सपेरिमेंट है इनसे मिलता जुलता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाइड्रोला प्लांट लिया था, देखेंगे यूज हाइड्रोला प्लांट, एक्वाटिक प्लांट है और सबमर्स हाइड्रोफाइट है, कैसा है, पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोला प्लांट किया इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बीकर है, इसमें यहाँ इन्होंने वाटर लिया और ये हाइड्रोला प्लांट यहाँ रख दिया, ठीक है। और उसके ऊपर से क्या रख दिया, पनल, पनल रख दिया है। कोई बताएगा पनल क्यों रखा हुआ है, प्लांट को ऐसे बीकर में नहीं रख सकते, देखिए आपकी हाइड्रिय पनल क्यों लगा दिया ऊपर से, क्योंकि देखिए बीकर में रखा हुआ हाइड्रिला प्लांट कुछ समय बाद जब इसको लाइट में रखेंगे तो एयर के बबल रिलीज हो जाते हैं, एयर के ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में यहाँ से रिलीज होती है, तो आपको अच्छे से वो ऐसा दिखाई दे, अच्छे से क्लियर कट आपको आइडेंटिफाई हो जाए, इसलिए पनल लगाया गया है, अदरवाइज वो बबल्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को एक बार उन्होंने लाइट में रखा और एक बार डार्क में, तो जब लाइट में रखा तो देखा एयर के बबल्स रिलीज हो रहे हैं और डार्क में बबल्स रिलीज नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनका भी लगभग वही था, ये भी तो यही बताए थे कि प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। इन्होंने काम किया कि इन्होंने एक चीज बदल दिया, वो आप ध्यान से हंसिएगा नहीं, पता नहीं बहुत हंसी आ रही है, हंसेंगे तो दिमाग हंसने पड़ जाएगा, ठीक है, दोबारा ये मिस्टेक मत करिएगा। तो देखिए इधर, इन्होंने इसको एक बार लाइट में रखा, इस सेटअप को एक बार क्या किया, सेटअप को एक बार इन्होंने लाइट में रखा और एक बार कहाँ रखा, डार्क। तो जब लाइट में रखेंगे तो उसको रिलीज होगा और यहाँ पर वो कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। इस वाले सेटअप को लाइट और डार्क में नहीं रखा गया था, लाइट डार्क में नहीं, केवल लाइट भी था, कभी माइस को उठा करके चार को अंधेरे में नहीं ले गए, ये इसको लाइट और डार्क में ले गए, क्योंकि ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लाइट भी जरूरी है, लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको भी बताना चाह रहे हैं। लाइट में फूड बनता है, ऑक्सीजन लाइट में रिलीज होती है, ऑक्सीजन इसमें भी रिलीज हुआ था, ठीक है, लेकिन लाइट जरूरी है इसलिए इसको डार्क में भी रख दिखा रहे हैं। देखिए जब डार्क में रखेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो लगभग मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट है। दो एक्सपेरिमेंट हो गया, इनका कंक्लूजन भी नोट कर लीजिएगा। लाइट इज नेसेसरी, ठीक है, और दूसरा क्या है, इन लाइट, प्लांट रिलीज फोटो, प्लांट ऑक्सीजन
अगला एक्सपेरिमेंट किसका है? हाँ, वन सेट का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सीधे कंक्लूजन दिया था, इनके एक्सपेरिमेंट में लिखा नहीं है, जो बताया था कुछ कंक्लूजन दिए थे। क्या बोला था कि प्लांट जो है लीफ प्लांट फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब फूड किस रूप में बनता है? ग्लूकोज। तो पहला इनका जो कंक्लूजन था कि प्लांट क्या बनेगा? फूड बनेगा, ठीक है। दूसरा है प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पौधे भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च रूप में। तो प्लांट स्टोर करेंगे स्टोर फूड किस रूप में स्टोर करेंगे? स्टार्च रूप में। और बताइए किस रूप में ट्रांसपोर्ट करेंगे? फूड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में फूड बनता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? नहीं लिखा है ना, बताइए किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। अब यहाँ पर हमको एक चीज बताइए कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं तो वो स्टार्च में क्यों बदल लेते हैं? क्या जरूरत है? क्या ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जा सकता है? स्टार्च में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है इसको? जो वो स्टार्च के रूप में बदल के कन्वर्ट है स्टोर करते हैं भोजन को। कारण सुन लीजिए, कारण ये है कि ग्लूकोज आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है इन द रेस्पिरेशन। स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में, तब जा करके वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ग्लूकोज बहुत आसानी से पौधे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कर लेते हैं? ये स्टार्च में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है? ये तीन चीजें यहाँ पर लिखी हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, और कुछ है इसके अलावा? पढ़िए कुछ और लिखा हुआ है। एक लाइन के बारे में और है कि प्लांट जो है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होती है जहां पर क्या है, ये फूड बनता है। ग्लूकोज की सिंथेसिस कहां होती है? ये ग्लूकोज कहां बनेगा? देखेंगे सिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट। हालांकि ये सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है? फूड बनेगा, लेकिन उसमें अलग से एक लाइन दिखा दिया, बुक में मेंशन कर दिया है कि स्पेशल स्ट्रक्चर सेल में होती है, इसमें क्या बनता है? तो ये इनके कंक्लूजन हो गया। अगला है टी एंटरमेंट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब यह है कि किस लाइट, जैसे लाइट में सेवन कलर्स,
तो किस कलर में बोर्ड ज्यादा बनता है, ठीक है, उन्होंने बताया था कि किस कलर में, रेड में ज्यादा बनेगा और ब्लू या वायलेट में, ब्लू वेवलेंथ में ज्यादा बोर्ड बनेगा और कहां बनेगा, रेड, ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने समझाया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया था, क्या क्या लिया था, तो देखिए इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, एरोबिक बैक्टीरिया, अभी समझा लिया था, और बताइए क्लेडो पूरा है कि क्लेडो पूरा क्लेडो होता है एलगी लिया, एरोबिक बैक्टीरिया लिया, फ्रिज लिया, और क्या लिया, वाटर, और ये सारी चीजें कहाँ रख दिया, लाइट में, ये सबको छुपा करके कहाँ रखा, लाइट में, वाटर के साथ आप बैटरी डिस्प्ले देंगे, बैटरी प्लेट, मतलब एक कांच का प्लेट लिया, क्या समझा, एक कांच का इस तरीके से प्लेट लिया, ठीक है, उसने पानी भर दिया, क्या रख दिया, वाटर रख दिया, वाटर, और क्या मिलाया उसमें, उसमें क्लेडो पूरा एल्गी मिला दिया, इस पानी में क्या रखा है इन्होंने, एल्गी रखा, उस एल्गी को क्या बोला गया, क्लेडो पूरा, ये एल्गी रखी वाटर में, ठीक, और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रहती है जो क्या होते हैं, एरोबिक, एरोबिक का मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रैप करने वाले, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया उस कांच की प्लेट में रख दिए, एक एल्गी रख दिया शैवाल, उस शैवाल का नाम क्या था, क्लेडोफोरा, और यहाँ लगा दिया प्रिज्म, यहाँ, और इस प्रिज्म की मदद से लाइट को सेवन कलर में ब्रेक डाउन करा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी उसको सेवन कलर में ब्रेक कर दिया, किसकी मदद से, प्रिज्म की मदद से, ठीक है, ये देखना चाहते थे कि किस लाइट में बहुत ज्यादा बनता, तो देखिए जब यहाँ से ये प्रिज्म लगाएंगे तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को ब्रेक डाउन कर देगा, यहाँ वॉयलेट आ रहा है, वॉयलेट होता क्या, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ब्लू और ये होता है वॉयलेट और ब्लू में, यहाँ बहुत ज्यादा बनेगा और कहाँ बनेगा, रेड, वॉयलेट ब्लू या फिर लास्ट में जाकर के रेड, कैसे पता लगा इनको कि ये वॉयलेट में बहुत ज्यादा बन रहा है रेड में, कैसे पता, कोई बताएगा कैसे इन्होंने पहचाना कि बहुत वॉयलेट में ज्यादा बन रहा है रेड, क्या चीज ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है इसका रिफ्लेक्शन, और बताइए, नहीं इसको लाइट वेवलेंथ वगैरह से फिजिक्स नहीं लगाना है यहाँ पर, कि वो जब आप बताओ जहाँ ब्लू लाइट एमिट कर रहा था वहाँ से बैक्टीरिया ज्यादा, यहाँ देखिए क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ रिलीज ज्यादा होगा, जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा इसका मतलब वहाँ ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है, फोटोसिंथेसिस बाद जहाँ चलेगा वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा, कैसे पता लगेगा कि यहाँ किस जगह ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, एरोबिक बैक्टीरिया इसीलिए रखा गया है, इसको रखने का मकसद क्या था उनका, कि ऑक्सीजन पता लगाना चाहते थे ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा निकल रही है, यहाँ पर जहाँ वॉयलेट लाइट आ रही होती है यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ रेड लाइट आती है वहां पर भी इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब यहाँ से बैक्टीरिया उठ के कहाँ चले जाएंगे, उस इलाके में चले जाएंगे जहाँ वॉयलेट लाइट आ रही है और जहाँ रेड लाइट आ रही है, वही इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि वही ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, तो ऑक्सीजन पकड़ने वाले ना वो क्या चाहते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले बैक्टीरिया रखे गए वही जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस वही जा रहा है, बाकी जगह कलेक्शन कम होगा, ऐसा नहीं होता है कि इसके अलावा वॉयलेट इंडिगो और ऑरेंज रेड इन तीन कलर के अलावा बाकी पांच कलर में फूड नहीं बनता, बनता है बाकी कलर में फूड बनता है लेकिन कम बनता है, सबसे ज्यादा इन तीन कलर में बनता है,
तो क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अरबिक बैक्टीरिया क्यों रखा था, तो यहाँ आगे नोट कर लीजिएगा टू डिटेक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पता लगाने के लिए, ऑक्सीजन पता लगाने के लिए इन्होंने एरोबिक रखा। फिर इसमें पता ही क्यों रखा था, एलर्जी क्यों रखा, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। बाकी सब हो गया। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम आप समझ लीजिए, क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का मतलब जानते हैं, जैसे लाइट पड़ रही है, प्लांट पर लाइट गिरा, उसका एक्शन क्या हुआ। हमने किसी को छापड़ मारा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन समझिए, एक्शन ही है, ठीक है। लाइट फॉल हो रही है प्लांट पर, तो प्लांट क्या करेगा, फूड बनाएगा, तो उसका एक्शन क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। लाइट का एक्शन क्या है, पॉलिन है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, कहाँ एक्शन ज्यादा हो, कहाँ काम ज्यादा हो रहा है। जहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा इसका मतलब एक्शन वहीं पर क्या है, फास्ट है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम बताया कि ये जो बिहेवियर पैटर्न है इसमें किस रीजन में ज्यादा एक्शन होगा। अगला एक्सपेरिमेंट किसका है, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है ना, इसका नहीं बता दो, NEIL क्या लिखा है, बॉन नील एक्सपेरिमेंट। ये बॉन नील है, ये रेस्टिवल yes, yes. सही है, सही है, NEIL सही है सर। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सही है ना। ये साइंटिस्ट के बारे में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये, क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पहली चीज तो ये लिखी गई होगी, ये क्या थे, माइक्रो गलत क्यों है,
क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आ रही है इसमें कितना एटम है, 12 एटम, 12 एटम आप काउंट करिए, 12 एटम दिखाई दे रहे हैं, और 12 एटम है तो यहाँ 6 एटम हुआ, यहाँ कितने एटम ऑक्सीजन के, 6, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से जा रही है, तभी तो 12 एटम वहाँ कैलकुलेट हो रहा है, 12 वहाँ है तो 6 यहाँ, यहाँ से भी आना चाहिए कुछ 6, लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। कैसे प्रूव किया है उसको देखिए, ये जो रिएक्शन है अब रिएक्शन कौन सी हो जाती है इसके अलावा, सही रिएक्शन ये वाली है, 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनेगा, सही है, सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से, 12 एटम यहाँ है और यहाँ पर भी कितने एटम है, 12 एटम ऑक्सीजन के। इन्होंने कैसे प्रूव किया, इन्होंने लिया क्या चीज, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिया तो 6CO2 प्लस क्या लिखेंगे, 12 सल्फर, और क्या बनेगा, 3H12O6 प्लस सल्फर नहीं है ये H2S है, क्या लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, H2S होगा और क्या बनेगा, 12 सल्फर, मतलब जितने भी सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर, ये H2S यूज करते हैं, वाटर यूज ना करके क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं क्या रिलीज कराते हैं, सल्फर, ठीक है। जैसे कैसे प्रूव हुआ कि ये ऑक्सीजन यहीं से आ रही है, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन पर, यहाँ पर क्या है, वाटर जब यूज किया जा रहा था तो ऑक्सीजन निकल रही थी, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया जाएगा तो सल्फर निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से भी आ रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऑक्सीजन अगर आ रही होती, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बननी चाहिए थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं बना, इसका मतलब सारा ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा ना कि यहाँ से, मन में आ रहा ना, वहाँ टोटली सल्फर क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि सारे सल्फर सारा ओटू यहाँ पर वाटर से आया, ऐसे ही सारा एस2 से क्या बना, सल्फर, ठीक। तो ये बॉन मील का क्या हो गया एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए तीन साइंटिस्ट और दिए हैं, उनका नाम क्या है, रूबेन एंड कैमन एंड इटॉल लिखा गया, ये लिखा है इनका ग्रीन प्लांट, सही वाला लाइन ना,
इन द ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, इसको समझाने के पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और प्लस ओजोन। ठीक है, यहाँ पर वाटर का ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस कैसे रिएक्शन होता है? रिडॉक्स। रिडॉक्स समझते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर एक हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर। कैसे पता लगेगा कि वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है? कोई बताएगा इसको कैसे पता लगेगा कि वाटर का ऑक्सीजन में ही ऑक्सीडेशन? देखिए, वाटर जब घोलता है H2O क्या बनाएगा? 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन। पानी जब घुटेगा वाटर फोटोसिंथेसिस में तो 2H प्लस बनेगा, हाफ O2 दो इलेक्ट्रॉन। वाटर का टूटना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? यहाँ से देख लीजिए, वाटर का टूटना ऑक्सीडेशन क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसे? देखिए, सोडियम जो होता है Na जब टूटता है तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, तो Na से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कई तरीके से चेक किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, ठीक है, पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना, पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना, यहाँ पॉजिटिव वैलेंसी नील है, यहाँ एक हो गया, नेगेटिव वैलेंसी का घटना, ठीक, ऑक्सीजन का निकलना, कहीं से ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कहीं ऐड हो रही है तभी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन या तो ऐड हो या तो हाइड्रोजन निकले, पॉजिटिव वैलेंसी या तो बढ़े या नेगेटिव वैलेंसी घटे, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, तभी क्या है? ऑक्सीडेशन। कई तरीके से समझ सकते हो, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिखा था कि हाइड्रोजन वो क्या है? पानी का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये लिखा ना, H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीडाइज्ड O2, वाटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में और ये हाइड्रोजन का डोनर है। ऑक्सीजन, ये तो समझ में आ गया कि वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप देखिए ये हाइड्रोजन का डोनर कैसे हो सकता है? आपके इस ग्लूकोज में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। हाइड्रोजन कहाँ से आया? ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया? वाटर से आया। वो जो लाइन लिखी गई है कि वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, वाटर क्या? हाइड्रोजन डोनर। वाटर टूटता है, हाइड्रोजन फ्री करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, ऑक्सीजन निकलता। पानी के टूटने से कितनी चीजें निकलती हैं? हाइड्रोजन, अभी आपको बताया था मैंने, 2H प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कहाँ जाएंगे? ग्लूकोज बना, क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, CO2 जब रिड्यूस होता है तब बनता ग्लूकोज, ठीक है। रिड्यूस कैसे होता है भाई? देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? रिड्यूस होगी तभी तो बनेगा ग्लूकोज। रिड्यूस कैसे होगा? रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जब कहीं जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कहाँ से? वाटर से। वाटर से इलेक्ट्रॉन फ्री होगी, वो उसमें जा करके ऐड होंगे, और क्या चीज ऐड होगी? हाइड्रोजन ऐड होगा, तब जाके क्या बनेगा? तब जाके ग्लूकोज बनेगा।
वही देखा ऊपर समझ में आया। आगे और बताएं इसको, यहाँ पे समझ में आ गया? कुछ कह रहा है कोई? एक्सपेरिमेंट को रिपीट किसने कराया? रूबेन एंड कैनन। उसको देख लीजिए
पर इटॉल एक वर्ड लिखा है। इटॉल का मतलब को वर्कर्स, सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले और लोग, इटॉल ठीक है, सहयोग। तो रूबेन एंड केवन मेन साइंटिस्ट हैं, उनके और सहयोगी लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपीट किया, यहाँ लिखेंगे रिपीट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट कर दिया, लेकिन सल्फर नहीं लिया है। इन्होंने तरीका दूसरा अपनाया, मतलब कंक्लूजन वही सेम था, कंक्लूजन वही था, लेकिन उन्होंने रॉ मटेरियल दूसरा यूज किया। क्या यूज किया था इन्होंने, यूज हैवी आइसोटोप। ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज किया, ठीक है। आप सबको पता है ऑक्सीजन दो प्रकार का, ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16। इसमें 16 नॉर्मल वाली होती है और ऑक्सीजन 18 उसका आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब वाटर, देखिए वाटर जो लिया था वो वाटर कौन सा लिया था, कौन सा वाटर है, 18 वाला, ठीक है। यहाँ पर सॉरी स्पष्ट हो गया, 18 वाला, ठीक है, हैवी वाटर लिया 18 वाला। यहाँ पर तो उन्होंने देखा क्या चीज, उन्होंने देखा कि C6H12O6+ ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कौन सी वाली हो रही है, 18 वाली। जब यहाँ 16 नॉर्मल वाटर यूज करेंगे तो नॉर्मल ऑक्सीजन आएगा, हैवी वाटर यूज करेंगे हैवी ऑक्सीजन आएगा आइसोटोप, ठीक है। और जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन आएगा, उसमें 16 वाला आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल यूज की जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसलिए ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, नॉर्मल बन गया। वहां पर हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन, इससे क्लियर हो जाता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर से। बोर हो गए ना, नहीं मुझे हो गए, डेढ़ घंटा बैठना भी अपने आप में करने का, ये कोई पिक्चर आओ तो चलने लगे, 3 घंटा तो बड़े आराम से कुरकुरे खा के टाइम पास हो जाता है, पॉपकॉर्न बनाया 1.5 घंटा कर दिया। यहाँ तक इनके लिए एक्सपेरिमेंट हो गए। एक लाइन लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज नॉट फ्रॉम नॉट 6, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल क्यों रिलीज हो रहे हैं, बता सकते हैं। इस रिएक्शन में जो अभी मैंने बताया उसमें 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, 12 रिलीज हो रहा है ना, ऑक्सीजन का 12 रिलीज होगा। एक्चुअल तो देखिए आपकी राइट इक्वेशन ये होती है C6CO2+ 12
बैड का स्कोर रखा है तो तब भी इंजेक्शन बैलेंस से हो, इसको हटा करके अगर ये रख देंगे तो इंजेक्शन तब भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये तब हटाना पड़ेगा। वाटर को वहां से क्या है प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली वाटर रिलीज होता है, कंपल्सरी वाटर रिलीज होता है, इसीलिए यहाँ 12 होता है, अदरवाइज 6 से भी बैलेंस होता है। वाटर नहीं सही नहीं है, करेक्ट ये है, करेक्ट रिएक्शन आपकी ये है, क्योंकि वाटर प्रोडक्ट है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है। जब वाटर बनता है तो यहाँ 12 बनता है, यहाँ 6 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। राइट रिएक्शन तो ये वाली है, यहाँ तक हो गया। अगली बार क्या पढ़ के आना है? हाँ प्रोफेसर।